तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हमारे पास एक पावर बैंक है, फ्लैश ब्रांड है। यहाँ पे इसका जो मॉडल नंबर लिखा हुआ है, लिथियम पॉलीमर बैटरी है। सेल कैपेसिटी 10,000 mAh है। इनपुट 1 माइक्रो USB, सेकंड इनपुट टाइप सी, आउटपुट 2 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। और दोस्तों, इसका जो एड्रेस है वो अहमदाबाद का, मतलब ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, मेड इन चाइना नहीं है। यहाँ पे इसका ऑफिस का एड्रेस लिखा है और कस्टमर केयर नंबर भी लिखा है, मतलब ये जियो की कुछ ब्रांड है, जियो कंपनी ने इसका प्रमोशन किया है फ्लैश। तो आज इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, देख लेते हैं कि प्रोडक्ट कैसी है। जल्दी से ओपन करके, 10,000 mAh की प्रोडक्ट है ये, मैंने अपने लिए मंगवाई है। तो आप 10 दिन बाद भी कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं उसका रिव्यू के बारे में, तो मैं आपको उसका जो रिव्यू है वो बता दूंगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे एक माइक्रो USB केबल दिया गया है अंदर, और ये है 10,000 mAh का हमारा पावर बैंक। यहाँ पे यूज़र मैनुअल है, और ख़ास बात यह है कि यूज़र मैनुअल में कोई चाइनीज़ लैंग्वेज का दिखाया नहीं है, सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों, ये है पावर बैंक, तो एक मोबाइल की साइज़ के जितना ही है। यहाँ पे माइक्रो USB केबल है, यहाँ पे टाइप सी केबल से चार्ज हो जाता है। दो अंदर आउटपुट और इनपुट के लिए दिए गए हैं, आउटपुट वोल्टेज के लिए एक एम्पियर का है और दूसरा वाला 2 एम्पियर का है। अभी इसमें 2% ही चार्ज है। और फिनिशिंग तो इसका अच्छा है, और पीछे भी लिखा हुआ है 10,000 mAh का फ्लैश का है ये। और दोस्तों, मॉडल नंबर लिखा हुआ है, और इसकी कोई वेबसाइट है वो लिखी हुई है, www.5। और यहाँ पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है, लेकिन ये जो बॉडी का मैन्युफैक्चर है वो चाइना से होता है और असेंबल इंडिया में होता है। तो दोस्तों, आपको ये प्रोडक्ट कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर इसके रिव्यू के बारे में जानना हो तो नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसका जो रिव्यू है वो मैं आपको दे दूँगा। और प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। भारत माता की जय। जय हिंद। आपका दिन शुभ रहे।